Assalamualaikum everyone, welcome in Huria's Kitchen। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त देसी चिकन, वो भी शोरबे वाला, जो कि सर्दियों की स्पेशल सौगात है। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो हर कोई नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की वजह से परेशान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये रेसिपी इन तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक अदद पैन, जिसमें जाएगी एक प्याली देसी घी। इस रेसिपी को हम देसी घी में ही बनाएंगे। देसी घी से इसका मज़ा और इसका फ़ायदा डबल हो जाता है। तो चलिए अब इसको इसमें ऐड करने के बाद इसमें जाएगा एक टुकड़ा दालचीनी और 3 से 4 अदद बड़े लौंग। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें हम ऐड करेंगे देसी चिकन। देसी चिकन का वेट यहाँ है 1.5 किलो यानी 1.5 kg। और अब हम इसको इसके अंदर इतना फ्राई करेंगे कि इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। और जैसे ही ये गोल्डन होना स्टार्ट होगा इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट। चिकन को हमें यहाँ बहुत अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे और इसी से इसका फ्लेवर निकलेगा। अब इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज टमाटर। पहले हम सब्ज़ मिर्च को बहुत अच्छे से चॉप करके वो इसमें ऐड करेंगे और 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च, या यहाँ आप साबुत 5 से 6 काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी यहाँ हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी हम इसमें टमाटर या कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करेंगे। ये स्टेप इस रेसिपी में बहुत ही अहम है, जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त करने वाला है। अभी हम इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। आप जब भी देसी चिकन की कोई भी रेसिपी बना रहे हों तो उसमें काली मिर्च और देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के यूज़ से देसी चिकन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर में बनता है। यहाँ हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ टमाटर। अगर आपके पास दही हो तो 1 प्याली दही भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी 1 मीडियम साइज प्याज, जिसको मैंने 1 मीडियम साइज प्याज को 1/2 चाय का चम्मच नमक और 1/2 चाय का चम्मच हल्दी डालकर पानी खुश्क होने तक बहुत अच्छे से कुक कर लिया था। और साथ ही इसमें 1/2 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। और अब हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें जाएगा तकरीबन 2 लीटर पानी। और आप देख रहे हैं इसमें हमने सिर्फ नमक और काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है। नमक मैंने प्याज को गलाते हुए ही उसमें ऐड कर दिया था, इसलिए अब हम इसमें मज़ीद नमक नहीं मिलाएंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और भी ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम देंगे। देसी चिकन पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से कुक होने तक ही पकाएंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा बने।
तो यहाँ मैंने चिकन को 20 मिनट की स्टीम दी है और इसको मैंने चेक किया, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर आप इसको थिक करना चाहें तो आप इसको मज़ीद कुक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सा इसका शोरबा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्च। और लीजिए, यहाँ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त शोरबे वाला देसी चिकन जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको एक प्यारी सी डिश में डिश आउट करते हैं। इसको मजीद थोड़ी सी काली मिर्च, सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे और यहाँ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबे वाला देसी चिकन जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो शदीद सर्दी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये ना सिर्फ आपको सर्दी से बचाएगी बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। देसी चिकन को कुक करते हुए आपने इसका कुकिंग टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और गला हुआ बना हो तो ही इसका असल मज़ा आता है। ये पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है लेकिन बनकर बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। इसको हम मीडियम हाई आंच पे ही कुक करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छे से इसकी बोन का जो रोगन है वो निकले, और जितना अच्छे से ये कुक होगा उतना ही इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। ये देखिए चिकन कितना ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि आपके लिए और मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज आती रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहिए। तो फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।